नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन में पूरी दिल्ली सज चुकी है। इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर में, फूल मंडी यानी दिल्ली की सबसे बड़ी फूल मंडी है वो गाजीपुर में ही है। और ये रात का वक्त है और मैं आप रात के वक्त में यहाँ जो फूल बेचने वाले आए हैं उनकी स्थिति दिखाऊं कि वो कैसे जो बेचने की व्यवस्था उन्होंने की है वो कैसे की है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ दिखा दूँ। ये आम के पत्ते भी हैं और ये सारे लोग आपको जहाँ दिख रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे, ये कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं और कैसे कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे। आप लोग भैया कहाँ से आए हो? गढ़गंगा जी से। अच्छा, क्या नाम क्या आपका? रवि जी। रवि, तो कब चले थे? हम चले थे गढ़ से चले थे हम। हाँ, 3:00 बजे। ये जो फूल बनाए हो ये वो कब से बनाना शुरू किए थे? ये परसों। अच्छा, परसों से ही बनाना शुरू किए। कैसे कैसे बेच रहे हो? ये बेच रहे हैं जी 30 रुपये लड़ी। 30 रुपये लड़ी। हाँ जी। एक गुच्छे में ज़्यादा दिखाई, कितने दिखे? देखिए, एक गुच्छे में कितने? 10 है। 10 है जी। ये बाहर जब जाता है तो इसको कम से कम वो 50 रुपये लेते हैं। जो बेचने वाले हैं वो 20 रुपये महंगा बेचते हैं, 10 रुपये महंगा। 10 रुपये 20 रुपये महंगा जी। जो वैसे लेने वाले आते हैं घर से जाने वाले, वो अपने इसी रेट पे। अच्छा, तो उनको आप सिर्फ 30 रुपये में 10 लड़ी दे दो। हाँ जी, 5 रुपये 10-20 रुपये कम कर दो। 10-5 रुपये कम कर दो। तो ये पहली बार आप लेके आए हो या लगातार कई सालों से लेकर आ रहे हो? हमें हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से लेकर आ रहे हैं। अरे वाह, अच्छी कमाई होती होगी। हाँ जी, जैसा मौसम होता है। इसके लिए तैयारी कब से करते हैं? तैयारी तो समझ लो जी, फूल बोने में कम से कम 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। ये दिवाली जब आएगी उसको पहले बचा कर रखेंगे, फिर उसके बाद 2 महीने पौधा लगा के स्टार्टिंग। कितने लोग जो हैं यहाँ आपके साथ आए हुए हैं? लगभग हमारे लोग आए 20-25 लोग। 20-25 लोग आए हैं, समझ लो पूरी हमारी। इधर आओ, इधर आओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। विशाल, आप भी इनके साथ ही आए हो क्या? जी सर। कितने लोग आए हो पूरे? तुम 4 लोग आए। अच्छा, यहाँ लगाने के लिए कुछ पैसे वैसे लिए उसने? कुछ नहीं लिए। अच्छे से बेच के जाएंगे ना जी। वाह, देखिए दिल्ली वाले दिल के राजा होते हैं और मैं आपको इसलिए दिखा दूं और बता दूं, ये जो आप लड़ियों को देख रहे हैं ये लड़ियाँ बहुत सस्ती यहाँ हैं, यानी इनकी कीमत अभी कितने पैसे की? 20 रुपये। ये 20 रुपये की, ये सिर्फ 20 रुपये की। इसमें 10 है या एक ही? हाँ जी, इसमें 5 का भी होता है, 10 का भी होता। अच्छा, ये 5 का भी होगा, 10 का भी होगा। ये देखिए, सिर्फ 20 रुपये के हैं, लेकिन आप तक जब ये फूल वाले पहुंचाएंगे तो इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ के 100 रुपये हो जाएगी। देखिए, दिल्ली में जब आप पूजा पाठ और तमाम सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे आपके लिए मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आखिर। अच्छा, देखिए लोग सोए हुए हैं और फूल आप ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सा फूल। यही जब हमारे आपके घर तक ये पूजा के लिए जब पहुँचेगा तब इसकी शक्ल बदल जाती है। ये किसान जो अपने खेत में इसे उगाते हैं उनकी हालत आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, सोए हुए हैं, बड़े थके मांदे से हैं क्योंकि ये गंगा से आए हैं। यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर छोटा सा बच्चा भी है, उसको भी आपको दिखा दें। देखिए, छोटा बच्चा जगा हुआ है, उसकी माँ भी यहीं सोई हुई है और अभी क्योंकि यही बेचने के लिए ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और ख़रीदने वालों के भी आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें नहीं बल्कि ये लोग जो हैं सब आगे बढ़ रहे हैं। आपने ले लिया क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, क्या ढूंढ, क्या क्या कर फ्लास देख रहे हैं? अच्छा, फ्लास देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ बहुत ही सस्ता होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम TV9 से हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मुझे देख बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 10-10 वो सिर्फ 30 रुपये का है। ये हम जब बाहर जाते हैं तो कम से कम 100 रुपये के लिए। आज की डेट में तो आप नॉर्मल मार्केट में जाएंगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50-100 रुपीज एक का, एंड दे आर गिविंग अराउंड 200 रुपीज में 20 या 300 रुपीज में 20, तो 10 टाइम्स। देखिए, वही किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चा बिल्कुल जगा हुआ है, ये सोए हुए हैं, बेसुध सोए हुए हैं। देश के किसानों की दशा जो है वो हमारी ऐसे ही बनी हुई है। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यही। हाँ भैया, ये आप बेचने आए हो या खरीदने आए हो? फेंको गुटका, फेंको। हाँ, खरीदने। कैसे, कितने कैसे खरीदे? ये 50 रुपये का ये खरीदे हैं। 50 रुपये का एक? हाँ। एक पत्ता है या पूरा बंडल है? मतलब 2 किलो का होगा। अच्छा, 2 किलो का होगा। वाह, चलिए 2 किलो का होगा। यहाँ बहुत सस्ता है,
लेकिन ये घर तक आपके घर तक जब पहुँचेगा तो बहुत महंगा होगा। वक्त है, मौका है, मौके की नज़ाकत है, इसका फ़ायदा आम लोग उठाते हैं, लेकिन यहाँ जो किसान हैं, यहाँ के जो लोग हैं या जो लेके आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसकी तैयारी बहुत पहले से करके बैठे हुए हैं। अब सोचिए, दिवाली का दिन है, हम उम्मीद करते हैं कि देश में, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो देश की दशा रही है या यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की दशा रही है, वो बहुत ही बदली है और इन लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी समय रहा है। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छी इनकी कमाई होगी। लेकिन इन किसानों से बात करने के बाद जो मुझे लगता है कि सिर्फ 30 रुपये में अगर 10 लड़ियाँ हैं तो फिर इनको फ़ायदा कहाँ है। भैया, एक आप ज़रा एक बार इधर आओ, ये मुझे बताओ, इतने में कमाई कैसे, मतलब कमाई अच्छी हो जाएगी ऐसा मान के चलते हो या? हाँ जी, जब कमाना है तो कमाई होनी चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए। ये कितने किले जमीन की, कितनी जमीन में आपने इसकी तैयारी करके? तैयारी जी समझिए हमारे 20-25 बीघे की। 20-25 बीघे में कितने लोग उसमें खेती करते हैं? कि हम किसी को बेच भी देते हैं और कुछ मंडी भी दिखा, कुछ मंडी में दिखा रहे हैं, जितने हमारे पास आता है बनाने का माल इतने हम बेचते हैं। अच्छा, इतने बेच दिए, जितने हमारे बच्चे होता है जी, बाकी हम मंडी दिखा देते हैं, मंडी दिखा देते हैं, और कोई आते हैं उन्हें देते हैं। हाँ दोस्तों, किसानों की दशा, दुर्दशा, वो तमाम सारी चीज़ें हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जब दिवाली की बात है, दिवाली का मौका है, तो हम यही कहेंगे कि भाई इनकी भी दिवाली बहुत खुशी से मने, और हम दिल्ली वाले जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, वो दिल्ली की सबसे बड़ी ये मंडी है, फूल मंडी है गाजीपुर मंडी, वहाँ हम आए हुए हैं, और यहाँ पर ये भी खुशहाल हों, हम भी खुशहाल हों, और देश वाकई खुशहाल हो पाए, यही हम आप उम्मीद करते हैं। TVN भारतवर्ष के लिए मैं सुमन कुमार।